और मेरी नाश्ता बन रही है और आज सवेरे ही उठना हुआ है मेरा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। यास्मीन डेली लाइफ में आप सबका स्वागत है। और अभी से जो भी करेंगे आपसे शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को फुल देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नाश्ता मेरी बन चुकी है, अम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी अभी तक आई नहीं है, अम्मी आती है तो फिर नाश्ता लगाते हैं। और जैसे कि आज एक आर्मी है, एक आर्मी शरीफ है, खाना में बिरयानी ही बनेगी। और अम्मी मेरी पूरी फ्रेश हो चुकी है, अम्मी मेरी रोज़ ही सुबह ही नहा लेती है, हम लोग का लेट होता है नहाने में। और मेरा नहाना खाना बनाने के बाद होगा, क्योंकि खाना बनाने से पहले हम नहीं नहा पाएंगे। घर वगैरह क्लीन कर चुके हैं, जो खाना बनाता हो खाना बनाने के बाद ही नहाता है। बस अम्मी का वेट कर रहे हैं, अम्मी आ जाए, नाश्ता वगैरह हो जाए तो खाना बनाने में हाथ लगाएंगे। और चाय भी रेडी है दो कप, एक मेरी अम्मी की एक मेरी। और चलते हैं जल्दी से खाना बनाने, खाना जल्दी ही बन जाएगी क्योंकि चिकन बिरयानी ही बनाना है। जैसे गर्मी में बड़े पीर साहब के नाम से जो होती है तो वो मुर्गा ही होती है। यहाँ पर तो ऐसे ही होता है पर हर जगह अलग अलग होता है। और आलू हो चुकी है मेरी, बस गोश्त भी होने पे आ गया, पानी चढ़ाते हैं। और चावल मेरी थोड़ी सी बाकी है और लगभग सब रेडी है। और बिरयानी मेरी रेडी है, बस स्टीम में देना, फ्राई तो हो जाएगी। और ये सूट निकाले हैं पहनने के लिए, और ये इसका दुपट्टा है। और काम मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, किचन वगैरह पूरा क्लियर हो गया, और जस्ट मेरी काम पूरी कंप्लीट हो गई है नहा के। और अम्मी मेरी सो गई इंतज़ार करते करते। काम तो अपने पूरे टाइम से ही किए हैं, लेट मेरी नहीं हुई, पर नेहा आ गई थी उससे बात करने लगे, बस उसमें ही थोड़ी देर हो गई। अब चलते अम्मी को उठाते हैं और खाने निकालते हैं। और शाम की चाय लिए, मोटर जैसे चली रही है, अभी आवाज़ आती होगी। चाय पी लेने के बाद मैं अम्मी से बाल बनवाएंगे, क्योंकि हम बाल नहीं बनाए अपना, क्योंकि अभी भी इतनी पेन है कि कोई बाल नहीं बांध पा रहा हूँ। अम्मी से भी बाल बनवाएंगे चाय पी के। और अम्मी की पढ़ाई हो रही है अभी, और अम्मी मेरी बाल बना रही है। और अम्मी बाल बना रही है तो हमको नानी की याद आ रही है, क्योंकि नानी ही मेरी बाल बनाती थी। और जब बाल बनाती थी तो पीठ में एक दूसरा ज़रूर मार पड़ता था। अम्मी नानी आप लोग को भी मार के बाल बनाती थी क्यों? नानी की आदत थी क्या? वाह 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 वाह, सार जीत गए। सर बैठ जाओ, पूरा भीग गए हो। अरे छोड़ दो सर, छोड़ दो। और सर इतना खेला है कि पूरी कपड़े को अपने भींगा लिए पसीने से, उसको पसीना ज्यादा होती है। उसको जितना भी मना कर रहे पर वो सुन रहे, उसको ये सब खेल बहुत ज्यादा पसंद आती है, उसको बहुत दिल लगता है। और उसकी कपड़ा चेंज हुई है अभी, और उसको जिद हुई फिर कि पटाखा जलाएगा वो। तो अम्मी सो चुकी है, अब दुकान बंद हो चुका है, वो हमको जिद करे कि हम पटाखा लेंगे ही लेंगे, पटाखा लेके अब जलाएंगे। तो हम उसको बोले ठीक है कल दिलाएंगे तुमको। और वीडियो के एंड इतना यहीं पर करते, कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।